हनुमानगढ़ जिले में फसल खराबी को लेकर आज किसान हाईवे पर चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि राज्य सरकार उन्हें फसल खराबे का उचित मुआवजा उपलब्ध करवाए। इस मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता हेतराम इंदेलिया। हेतराम जी, जी सर, जी क्या समाचार है इस समय हनुमानगढ़ के? मुख्य रूप से जिस तरीके से अभी बाता चल रहा है कि बाजार वहां पर बंद है, तो क्या चीजें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो हनुमानगढ़ जिला है प्रदेश के अंदर कपास पट्टी के नाम से विख्यात है, और लगातार राज्य सरकार की अनदेखी के चलते हनुमानगढ़ जिले में गुलाबी सुंडी और बेमौसम की बारिश से जो फसलें खराब हुई है उसको मुआवजे की मांग को लेकर लगातार एक महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, और उसी के चलते आज सूरतगढ़ हनुमानगढ़ मेगा जो फोरलेन हाईवे है उस पर किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। क्षेत्र के अंदर सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि करीब 2,06,686 हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार कॉटन की बुआई हुई है, जो कि गुलाबी सुंडी से पूरी की पूरी जो फसलें हैं वो चौपट हो गई है। हेतराम जी, यहाँ जो आपने कहा जो किसान जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उसमें किसानों के साथ साथ में क्या सामाजिक और राजनीतिक मंचों के भी लोग वहाँ पर साथ में जुटे हैं? जी सर, जी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या सामाजिक और राजनीतिक मंच के लोग भी वहाँ पर आपस में जुड़े हैं, क्योंकि ये चुनाव का समय है? सर इसमें जो जो भी आंदोलनकारी है वो सिर्फ किसान ही है, और किसान नेता और उसके साथ साथ विभिन्न जो संगठन है वो किसानों के साथ है, और सभी की यही मांग है कि किसानों को उनका उचित एक पैकेज के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। तो क्या अब तक उनकी जो बातचीत हुई है उसका कुछ रिजल्ट, कुछ परिणाम निकल पा रहा है, ऐसा कुछ संभावना आपको दिख रही है वहां पर कोई समाचार? सर अभी तक कोई इसका परिणाम नहीं निकल पा रहा, क्योंकि राज्य सरकार की जो ये किसान विरोधी जो नीतियां हैं उनको चलते हुए किसान उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का आरोप है कि जो सबसे पहले तो जो ये बीज जो किसानों को उपलब्ध हुआ है वो बीज भी जो बीटी का कॉटन का था वो भी नकली बताया जा रहा है, और उसी के चलते जो राज्य सरकार है उसके प्रति किसानों में जबरदस्त जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। तो अभी बाजार बंद है तो क्या बाजार को खुलने की कोई संभावनाएं अगले एक दो दिन में या फिर आज, ऐसी कोई बात? बाजार को पूरी तरीके से बंद नहीं करवाया गया था। अच्छा। हालांकि जो सबसे जो मुद्दा था सिर्फ फोरलेन जो हाईवे है उसको जाम किया गया था, जो करीब अभी तक जाम चल रहा है, और पुलिस की समझाइश के बाद शायद ये जो जाम है खुलवाया जा सकता है। ठीक है हेतराम जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे इस संदर्भ में, और भी समाचार हमारे दर्शकों के साथ में आप साझा कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।